गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता है घूमना फिरना, चाहे जगह कोई भी हो, बस एक या दो ट्रिप हो जाए और इंसान को क्या चाहिए। लेकिन एक टूर पर जाने से पहले कई लोगों के विश लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेचर फ्रेंडली जगह होना चाहिए, माउंटेन के सामने कुछ अच्छा सा होटल होना चाहिए, कम भीड़ भाड़ वाली जगह होनी चाहिए और तो बस साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, तब तो क्या ही कहना। लेकिन कभी कभी एक ही डेस्टिनेशन पर यह सब कुछ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ भारत में कुछ ऐसे बढ़िया हिल स्टेशन है जहाँ आपको भीड़ भाड़ के साथ साथ साफ़ सुथरी जगह भी मिलेगी, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए यकीन दिलाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ पांच खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा और आप जाके यहाँ पर घूम सकते हैं और गर्मी की छुट्टियाँ मना सकते हैं। नंबर वन पर आता है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। तवांग हिल स्टेशन 3048 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जिसे आप ऑफ बीट पैलेस के रूप में भी गिन सकते हैं। यहाँ कई सुंदर मठ भी हैं जहाँ पर्यटक चैन और सुकून पाने के लिए कुछ देर के लिए आते हैं। यहाँ एक ही नहीं बल्कि कई मठ हैं जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। यही नहीं, तवांग छठे दलाई लामा त्सांग ग्यात्सो का जन्मस्थान भी है। इस पहाड़ी जगह को तवांग के नाम से भी जाना जाता है। तवांग हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता और अत्याधुनिकता के समेटे हुए हैं, जहां आते ही आपको सुकून और साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग जरूर पसंद आएगी और जाके यहां पर घूम सकते हैं। नंबर टू पर आता है कुन्नूर हिल स्टेशन तमिलनाडु। कुन्नूर पश्चिम घाट का दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। कुन्नूर 1930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऊटी से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि ये जगह हर तरफ से हरियाली से भरा हुआ है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्राकृतिक अलावा यहाँ पर आप लोग चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने ओर खींचते हैं। जैसे कि सारी प्राकृतिक की खूबसूरती भगवान ने यहीं पर बिखेर दी हो। पूरे साल यहाँ पर का मौसम बड़ा ही खुशनुमा रहता है। कुन्नूर से यूकलिप्ट पर्वत और कैथलीन वाटरफॉल तक की जगह बड़ी हसीन लगती है। अपनी हरी भरी वनस्पतियों, पहाड़ों, संस्कृति और सुंदर स्वस्थ परिवेश के लिए वजह से कुन्नूर शोर से कम नहीं लगता है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नंबर थ्री पर आता है इडुक्की हिल स्टेशन केरल। इडुक्की केरल के सबसे प्राकृतिक रूप से सुंदर क्षेत्रों में से एक है। इडुक्की एक हर तरफ से ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। रास्ते में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक हमें आशीर्वाद दे रही हो। और बता दें, पहाड़ पर 650 फुट लंबा, 550 फुट ऊंचा धनुषाकार बांध स्थित है, जिसे इडुक्की कुवन कुर्ति के नाम से भी जाना जाता है। बांध और हरी भरी प्राकृतिक मिश्रण इंसान का दिल जीत लेते हैं। इस हरे भरे हिल स्टेशन में देखने और करने के लिए काफ़ी कुछ है। पशु अभयारण्य, चाय के बागान और पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना इसमें शामिल है। बता दें, इडुक्की आर्क बांध भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक माना जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आप लोग जाकर घूम सकते हैं और यहाँ का गर्मियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। नंबर फोर पर आता है कौसानी हिल स्टेशन उत्तराखंड। कौसानी अल्मोड़ा से 91 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक हिल स्टेशन है। कौसानी हिमालय की चोटियों से त्रिशूल, पंचोली और नया देवी को देखा जा सकता है। यहाँ का खूबसूरत माहौल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ के बेहद करीब होने की वजह से इस जगह पर हर आप बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। हनीमून मनाने वाले लोग के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट बता दें, पहले इस जगह को बलवा के नाम से जाना जाता था। स्वच्छ वातावरण के साथ साथ यहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है, जो कि आप लोग जरूर पसंद आएगा और आप लोग की गर्मियों की छुट्टियों का आनंद भी दिलाएगा। नंबर फाइव पर आता है ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु। ऊटी को तमिलनाडु के सबसे खास और खूबसूरत हिल स्टेशनों में गिना जाता है। बता दें कि ऊटी को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के भी कहते हैं। दक्षिण भारत में गर्मियों के महीने में के दौरान यह हिल स्टेशन परफेक्ट वीकेंड स्पॉट बन जाता है। ऊटी के फूलों के बगीचे के साथ साथ भव्य नीलगिरी की पहाड़ियों और आकर्षक चॉकलेट म्यूजियम देखने के लायक हैं जगहों में से एक है। गर्मी हो या सर्दी, परिवार वालों के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए ये जगह परफेक्ट मानी जाती हैं। यहाँ पर आप किसी भी मौसम में आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर हर मौसम में यहाँ का मौसम एक ही बराबर रहता है। तो उसमें एक बार यहाँ पर जरूर जाएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फ्रेंड, आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। अगर हमारे लिए कोई सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही ट्रैवल से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।